छोटे पर्दे की मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने दूसरे पति अभिनव कोहली के साथ बिगड़ते रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, श्वेता ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और क्या लिखेंगे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि जो मेरे बच्चों के लिए सही है और जो मेरी तरक्की के लिए सही है मैं वो करूं। दरअसल श्वेता ने कुछ दिन पहले अपने दूसरे पति अभिनव कोहली पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, श्वेता का आरोप था कि अभिनव ने उनकी बेटी पलक के साथ भी मारपीट की और बस सुलूकी की, जिसके बाद श्वेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अभिनव को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जल्दी उन्हें बेल भी मिल गई, जिसके बाद अभिनव ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आपको बता दें, श्वेता की पहली शादी भी नाकामयाब रही। उनके पहले पति राजा चौधरी से भी उनके रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि 2007 में श्वेता तिवारी को राजा चौधरी से तलाक लेना पड़ा। बाद में श्वेता ने दूसरी शादी की लेकिन ये भी सफल नहीं रही। हालांकि इन सब बातों का श्वेता के करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। 2010 में बिग बॉस सीजन 4 जैसा बड़ा रियलिटी शो जीतने वाली श्वेता पहली महिला प्रतियोगी बनी और अब श्वेता तिवारी फिर से छोटे पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने वाली हैं। जी हाँ, जल्द ही श्वेता एक नए सीरियल मेरे डैड की दुल्हन में लीड रोल प्ले करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।